हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आयशा का किचन। आज आयशा के किचन में बन रहा है ऑनियन डोसा। इसके लिए मैंने ये एक चम्मच मेथी दाने, एक कटोरी पोहे, जिस कटोरी से पोहे लिए हैं उसी कटोरी से मैंने उड़द दाल और चावल लिए हैं। उड़द दाल 2 कटोरी ली है और 5 कटोरी चावल लिए हैं। इन सभी का पानी निथार कर मैंने अच्छे से पीस लूँगी। इसको मैंने करीब 2-2.5 घंटे भिगाया है। अब पीसने के बाद हम इसे रात भर ढक के रख देंगे खमीर उठने के लिए। फ्रेंड्स, ये डोसे का जो मिश्रण हमने पीस के रखा था, रात भर ढक के रखा था, इसमें अच्छे से खमीर उठ गया है। जितने डोसे हमें बनाना है उतना घोल में अलग निकाल के बाकी के घोल को फ्रिज में रख दूंगी। इस सभी घोल में हमें नमक नहीं मिलाना है। ये इस घोल में मैं नमक मिला के इसे अच्छे से फेंटूंगी। ये तवा गरम कर लिया है, हल्का सा तवा गरम करना है और इस तवे पर हमें सब दूर तेल को फैला देना है। अब हम इसमें डोसे का मिश्रण डालेंगे और इसे फैला देंगे। अब हम इसके ऊपर ये हरी मिर्ची और प्याज डाल देंगे। अब इसके चारों तरफ हम तेल डाल देंगे। डोसा आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो छोटे साइज का बनाएं, क्योंकि बड़ा डोसा फर्स्ट टाइम में संभलता नहीं है। ये वाला डोसा एक साइड लाल सेकेगा और जिस साइड हमने प्याज डाली है उस साइड हम इसे हल्का सा सेकेंगे। इसे पलटते वक्त हम हल्के से इस तरीके से पहले इस किनारे को करेंगे, उसके बाद आहिस्ता से हम इसे पलट देंगे। दूसरी साइड हमें हल्का सा सेकना है। जो हमने हरी मिर्ची और प्याज डाली है वो जलना नहीं चाहिए। ये डोसा सिक चुका है। ये ऑनियन डोसे को हम नारियल की चटनी के साथ सर्व कर रहे हैं। नारियल की चटनी का वीडियो हम पहले डाल चुके हैं हमारे चैनल में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इस नारियल की चटनी के वीडियो की लिंक दे रहे हैं। ये डिश मुझे मेरी फ्रेंड दिव्या निमाड़े शर्मा ने सिखाई है। थैंक यू दिव्या। फ्रेंड्स, अगर आप मेरा हर वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।